नाम है राजविंदर, हम असली यूपी से, यूपी से चले गए बंगाल, वेस्ट बंगाल से रहते हैं, वहीं जाना आना सब वहीं है, यही इसी चक्कर में आ गया। मेरा कुछ तकलीक नहीं था, सुनिए बात, मेरा कुछ तकलीक नहीं था, वो तो अपना धुनकी में चल रहा हूँ मैं, शराब का धुनकी में चल रहा हूँ मैं। एक दिन के शर्मा ने यह बोला कि बेचारा कि तुम भी वेलकम चेक करा लो, तो हम बोला कि हमने वेलकम चेक नहीं कराएंगे, मेरे कोई बीमारी नहीं है। हाँ नहीं 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 करवा लो। हाँ तक मैंने करवाया तो टीवी निकला, जब ये टीवी निकला ना तो हाँ तो उसी दिन से मेरा बेचैनी हो गया, मतलब कि और खाना पीना छोड़ दिया। हाँ खाना पीना छोड़ दिया। लास्ट में ही इन्होंने मिले हमसे, R1 ले जाके फोटो तो करवाए, फोटो करवाने के बाद जांच वाँच करवाएँ, जांच करवाने के बाद दवाई चालू किए, अभी तक दवाई खा ही रहा हूँ मैं, अभी दवाई 2 महीने से बंद है। लेकिन मुझे लग रहा कि अभी अंदर में है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सांस है ना, सांस बहुत फूलती है, बहुत फूलती है सांस। हाँ इस तरफ का, इस तरफ पानी भर गया है, इस तरफ पानी भरा हुआ है, एक बार पानी निकलवाया था हम हरवन से, फिर पानी भरा हुआ है। हाँ एक शराब में भी है सब। लेकिन मेन बात है क्या, अगर आप लोग सहूलियत हो हदी ठीक कर दीजिए इसको, कोई काम कर नहीं पा रहा हूँ मैं, चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। हम लोग यहीं पे सोते बैठते हैं, आए अपना, हम तो इतनी बार देखे थे लेकिन हमने कुछ बोला नहीं था, आया अपना मस्ती में आया, आके सो गया। आज जिस समय से भैया बतला दिए कि चाकी तुम्हें प्रॉब्लम है, उस समय से और बीमार पड़ गया मैं, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, दिन भर सोया रहा है। एक बन लेता था, एक बन जो होता है 4-5 दिन खाता था उसको, भूख तो मर गया था मेरा, एकदम शरीर ख़त्म हो गया था। लास्ट में ये लोग बचाए हमको, इन लोगों का बहुत मेहरबानी है, हम तो इनको फ़ोन भी करते हैं, यहाँ पर आए, आने के बाद वेलकम जांच कराएं। अभिषेक जी ने वेलकम जांच कराई, यहाँ टीबी अस्पताल में हुआ। हाँ यही, तो उस समय नाट चलता था, सीबी नाट चलता था। सीबी नाट हुआ, सीबी नाट कहाँ पर हुआ? अर्बन में, लोकनायक में। अर्बन लोकनायक, हाँ उसको अर्बन में बोलते हैं, लोकनायक हॉस्पिटल में। ठीक है, सॉरी। उसके बाद जाँच करवाएं, जाँच करवाने के बाद एक्सरे करवाएं, एक्सरे करवाने के बाद इन्होंने बेचारा बोला कि अभी जाओ दवाई वहीं चालू कर दी, R1 से चालू कर दी है, R1 उसी दिन चालू हो गई सर। और टीबी का जैसे डायग्नोस होता है, पहले तो इन्फॉर्मेशन पेशेंट को काउंसिल करते हैं, बट पेशेंट को हम बताते नहीं कि आपको टीबी है, क्योंकि बताएगा तो डॉक्टर, तो हम बता देते हैं कि आपको दिक्कत निकली है, एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इनको लेके गए हम अस्पताल, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखी इनकी रिपोर्टें बलगम की और एक्सरे की, फिर डॉक्टर ने काउंसिल करा कि आप अपनी दवाई छोड़ोगे तो नहीं, आप खाने पीना क्या शरीर का ध्यान रखोगे, आपको खुद रखना पड़ेगा, ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें इनको समझाई। फिर ये समझे भी, डॉक्टर ने क्या क्या बोला था आपको जब वहाँ मिले थे आप? डॉक्टर बोला था कि दवाई छोड़ना मत। हाँ दवाई छोड़ना मत, खाना पीना पर ध्यान देना। हाँ हाँ तो खाते हैं हम लोग तो यही खाना खाते हैं, ये खाना पौष्टिक होता है। बाहर का तो बंद कर दिया आप, उस समय शराब पीते थे आप? बहुत। जब दवाई स्टार्ट हुआ? नहीं नहीं। जब आपको बीमारी का पता चला उसके बाद से छोड़े हैं या पहले ही छोड़ देते हैं? नहीं बीमारी के बाद छोड़ा। बीमारी के बाद छोड़ा, तो आपको किसी ने बताया होगा ना कि दवाई शराब नहीं पीनी है, आपको नशा नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं? आप ही का बोला हुआ, बताओ बताओ कहीं छोड़ा? इसके भी कारण है, शराब पीने का दिल किया मुझे, मैं चला गया ठेके पर, पैसा जेब में है, चला गया ठेके पर देखा क्या कि शराब में लाइन लगा हुआ है, तो वहाँ से हम घूम घाम के आ गए, आके कमला मार्केट में भर पेट खाना खाया, आके सो गया। सोने के बाद देखा, शाम को उठा, फिर शराब पीने का दिल किया, फिर खाना खाया, सो गया। ऐसे करके 2-4 दिन बहुत दिक्कत हुआ मेरे को,
बहुत दिक्कत हुआ, लास्ट में बंद हो गया खाते में। 500 महीना भेजता था। हाँ, ये टीवी बतलाया था, कलकत्ता में बतलाया था कि आपको टीवी है, हम नहीं है। जिसमें पानी निकाला गया उसे बोला था कि टीवी है, हम नहीं है। लास्ट में यहाँ पर गिर गया। ताकत बहुत था हमको, जिसमें टीवी का पूरा दिखले मालूम हुआ था, गिर गया। धीरे धीरे आपको मतलब वहाँ टीवी बोला, आप जैसे यहाँ आ गए, यहाँ पे आप खाते पीते थे बढ़िया करके, मस्त करके, क्या आपको दिक्कत हो रही है, खांसी बुखार हो रहा है, कुछ मतलब ही नहीं था पीने के बाद? नहीं, पीने के बाद कुछ पता चलता था कि मेरे को कुछ बुखार है या नहीं, कुछ पता नहीं चलता था। तो जैसे हम लोग मिले, आप जैसे दो तीन बार देखे भी, तो हम जैसे बताते थे कि हम इस चीज़ से आए, ये तो पता था ना किससे आते थे। तो मिले तो जाँच कराया, जाँच कराने के बाद जब हमने टीवी बोला तो आपको क्या लगा कि कलकत्ता वाले ने जैसा बोला था वैसे ही हमने बोल दिया, या कलकत्ता वाला? नहीं, कलकत्ता वाला बोला था मुझे। हाँ, तो वहाँ आपको दवाई स्टार्ट कराना क्यों नहीं कराया? हमने बोला झूठ बोल रहा हो। अच्छा, झूठ बोल रहा आपको ये लगा? हाँ। अच्छा, और यहाँ पे कैसे फिर माने आप? यहाँ चेकअप हुआ, पकड़ा गया। चेकअप कैसे, क्या चेकअप हुआ जो आप? बेलगम चेकअप किया, बेलगम चेकअप किया और एक्सरे किए। एक्सरे किया, हम बैठ नहीं पा रहे थे ना, हम चल नहीं पाते थे। फिर इलाज उसी दिन शुरू कर दिया ना? उसी दिन चालू करा देगा, इलाज उसी दिन चालू कराया उसी दिन। अर्बन में डॉक्टर को दिखाने के बाद जो बगल में जो डीएमसी या सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे दवाई चलो। सबसे बगल में हमारा गिरधारी लाल हॉस्पिटल, गिरधारी लाल कितना दूर है आपके यहाँ से? अजमेर के कितना दूर है? अगर आप चाहोगे कि मैं चल कर चला जाऊँ दवाई ले तो जल ला सकते हो या नहीं? 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर मतलब 750 मीटर है ना, 750 मीटर तो पैदल जाना हो सकता है आराम से। टीबी का दवाई एक भी दिन का गैप हुआ आपका जब से दवाई बीमारी का पता चला? हाँ, लड़की शादी में 2 दिन गैप हो गया था मेरे मुझसे। आपकी लड़की की शादी थी तो 2 दिन का गैप हो गया, वो आपसे हुआ? हाँ। किसको बताया आप ये बात? ये बात किसी बोला नहीं। क्यों नहीं बोले? नहीं, दवाई था ही नहीं, मेरी लड़की की शादी थी, अब क्या करूँ मुझसे। वहाँ पर पूरा कोर्स पूरा हो गया। साइड इफेक्ट भी थे दवा के? खुजली होती थी। कब पूरा कब हुआ आपको? 13 फरवरी को। टीवी पे जीते हैं आप, आपने टीवी हराया है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत प्रेरणा। आपको टीवी चैंपियन बोला जाएगा, चैंपियन बोला जाएगा, आप और लोगों के भी मदद करेंगे। लेकिन और आपने टीवी भी हराया और आपने शराब भी हराया, धीरे 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 वो भी ठीक हो जाएगा क्योंकि बीमारी में से तो अभी ठीक हुए हो ना। गिरधारी जाते हैं ना अभी भी, 2 जगह बैठते हैं रास्ता में। ये तो हम कराए थे अगस्त में, 31 अगस्त को। हाँ, ये सब तो पुराना वाला। एनडीटीवी में हुआ है, सरकारी में हुआ सर, एनडीटीवी में। ये लोकनायक हॉस्पिटल का है, ये है दिसंबर का, 11 दिसंबर 2023। हाँ, लोकनायक हॉस्पिटल दिसंबर का है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है ये तो? हाँ। क्या बताया डॉक्टर, क्या बताया अल्ट्रासाउंड? फुलवर्म बोला, फ्यूरल इन्फ्यूजन। हाँ, हम बोला नहीं यहाँ पर है लेफ्ट साइड में। हाँ, उसके बाद क्या बोला कराने के लिए आपको? कुछ नहीं बोला, डॉक्टर दिखाना गया ही नहीं अब। हाँ, तो मेरा फिर चेकअप करा दीजिए। ठीक है, दोबारा चेकअप करवा लीजिएगा, कल करवा लीजिए अगर आपको डाउट होता है। हम सर सबको मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरा मदद कोई नहीं करता। एक एक ये है सर, एक वो सर, इन्हीं दोनों सहारे पर चलता हूँ मैं, बाकी किसी का सहारा नहीं चलता हूँ। आपने और लोगों को देखा कि तकलीफ में है तो दिक्कत है उन्हें, तो आपने? हाँ, बोल रहा हूँ आया है ये या नहीं आया है, आपने बोला ना? हाँ, बस कितने लोगों को बोला? 5-6 आदमी को बोल दिया। 5-6 लोगों को आपने बोला है? हाँ, मुझसे भी मिलाया है आपने? मिलाया है सर। कितने लोगों को मिलवाया? 3 लोगों को मिला। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इनको लगता है कोई तकलीफ में तो खुद बोलते हैं कि फिर सीधे फोन करके बोलते हैं। अभिषेक जी थोड़ा आइएगा ना तो 2 पेशेंट और लेके बिठा के रखेंगे हम और उनसे मिलिएगा। हम लोग यहाँ पे काम तो करते हैं लेकिन ये टीवी के बारे में थोड़ा सा हमारा ज़्यादा वो अवेयरनेस नहीं है, हम काम नहीं करें, जितना जानते हैं। लेकिन
माना पेपर जो एन जी ओ है जो ये बन पे की है ये मैप जो है आते रहते हैं आप ये आए स्कूल में मुस्लिम करी बातें करी दिखाया जहाँ जा पड़ता है तो धीरे धीरे क्या है कि शेल्टर होम में पेशेंट इनके उससे निकलना शुरू हो गए। तो चलो हमारे यहाँ दो चार छः पेशेंट निकले थे इधर दो चार छः थे हमारे यहाँ जितने 20-25-30 शेल्टर में अब वो डेटा तो उनके पास होगा पता नहीं कितने निकले लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे निकल आए बहुत सारे पेशेंट। तो अगर ये लोग नहीं भी आते या हमारे एन जी ओ ना आती इस प्रोजेक्ट को दोबारा लेकर के यहाँ पे हम टीम से काम करेंगे तो हम वो टीम को अगर पता ही नहीं लगा कि भी है तो हमारे लिए कमज़ोर हो रहा है मान लो खाना नहीं खा रहा था हम देश उसके पहले जो उसका जो डीपली चीज़ है वो हम जानते नहीं थे तो डॉक्टर ही जानता था हम डॉक्टर के पास जाते नहीं थे उस वजह से कई लोगों की जान यहाँ पे बच गई है। तो जिसका हम पहले तो शुक्रवार एन जी ओ के है दूसरा इनके शुक्रवार हैं जो क्षेत्रीय और ये मैम हैं इनके जब हम इस होमलेस प्रोजेक्ट में काम करते तो हमें ये पता नहीं होता है कि कौन क्या बीमारी लेके आता है उसमें से जो अब हमें पता लग रहा है कि सबसे खतरनाक है टीवी। तो टीवी कैसे खतरनाक है ये फैलती है ये सारा हमें पता लगा कि कीटाणु निकलता है दूसरे में जाता है तीसरे में जाता है अपना एक एरिया क्राउड बना लेता है। उस क्राउड को ख़त्म करने के लिए जो पेशेंट को लगातार इलाज चलता है इस तरह से फॉलोअप लेते हैं शुरू से लेके एंड तक कंटिन्यू लगातार 14 दिन पता नहीं 15 दिन 20 दिन क्या क्या महीना 2 महीना 6 महीने तक इनका फॉलोअप चलता रहता है वो ये आते रहते हैं। अब एक है कि पेशेंट को दवाई दी और नाम से खाना खा रहा वो सब चलता रहता है लेकिन अब पेशेंट के साथ ही खुद आते हैं दोबारा भाई खा रहा नहीं खा रहा फॉलोअप करने दवाई सही से लिया नहीं लिया तकलीफ है ना है इनको लेके जाना एक्सरे कराना इनके टेस्ट कराना अल्ट्रासाउंड कराना जो एक टू दस सारी टेस्ट है ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम आए ये क्योंकि हम ये सीट छोड़ के निकल नहीं सकते थे कभी तो ये लोग निकल के कर रहे हैं जिनका एक बहुत बड़ा वो है योगदान शेल्टर होम में। तो होमलेस की ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म हो जाती है कि बीमारियों की वजह से टीवी है या कोई एच आई वी है या कोई और बीमारियाँ हैं जिसका हम प्रॉपर इलाज कर नहीं सकते और उसको हम जाँच कर नहीं पाते क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के लिए हमें आई डीज़ की ज़रूरत होती है आई डीज़ हमारे लोग आती नहीं है हॉस्पिटल में जाने के लिए और चीज़ों की ज़रूरत जो हमारे पास है नहीं और पैसा हमारे पास होता नहीं कि हम प्राइवेट जाके इलाज कर सकें ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। टीवी और डॉक्यूमेंट्स दो चीज़ें ऐसी आती है अगर टीवी के पेशेंट इनके थ्रू जाता है उसको इतना ईजी होता है इलाज लेना कि जितना हम सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों की जानकारी उनका ये आगे है वो चीज़ों को बेटर तरीके से फॉलोअप करते हैं अगर हम जाएंगे हम उस इलाज को लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते वो तो अब तब तो हम जा ही नहीं रहे तो इनका शुक्रगुजार है कि काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि टीवी वीवी का काम है लॉन्ग काम है क्योंकि नहीं कि 5,000-2,000 पेशेंट पकड़े आपने राज्य में तो छोड़ दिया क्योंकि 2,000 लोगों ने कितने और लोगों को क्राउड खिलाया और किस समय पर वो क्राउड खड़ा होगा तो ये एक रेगुलर ही चलता रहे तब ही जाके टीवी के पूरे पेशेंट निकलेंगे। इन्हें कैंपेन की इनने बड़े टेस्ट किए वो एक्सरे कराए इन लोगों ने बड़ी बड़ी बसें मंगवाई उसमें इनने कैंपेन की उसमें चलाया हाँ बसेस पे इनने पूरा वो बनाया उसमें इनको बल्क पे पेशेंट मिले। तो मतलब जो है होमलेस का जो है जब इस पर काम करने लग गए प्रॉपर तरीके से तो पेशेंट निकल के आने लगे ये बात होमलेस की वजह से हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। जैसे मेरे को टी वी है तो मैं तो एक बेघर आदमी मैं तो याद छोड़ रहा हूँ यहाँ कल वहाँ पाँच वहाँ आज जो मेरे आसपास लोग सो रहे मैं उनको फैलाते निकल रहा हूँ फैलाते निकल रहा हूँ होटल में खाना खाऊँ होटल वाले को फैलाऊँगा किस कहीं और जाऊँ उसको फैलाऊँगा। जो ये 2-4 पेशेंट 6 पेशेंट जो मेरे सामने आसपास यहाँ पे रहे थे तो बिल्कुल मृत्यु के कगार पे खड़े थे। अभी एक आधा पेशेंट और भी है जो आज इनको मिलाएंगे हाल फिलहाल में आया है तो भी है मृत्यु हम लोगों को चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी हमें अवेयर किया सिस्टम के बारे में और उसके बाद जो भी हम यहाँ बोलते हैं बैठते हैं इन लोगों ने हमें बताया कि इसको इस तरह से दवाई भी देना हम ना पहुँच पाए तो हम समय समय पे इनको सपोर्ट भी करते रहे कि इस तरह से रहना है आप दवाई चल कर ये जिंदा है खड़ा है नहीं तो इसी बंदा सूख गया था कब इसी तरह एक बलबीर वो सूख गया था एक तीसरा है रजिंदर वो भी सूख गया है एक चौथा अभी आया हुआ है वो भी है इस तरह बहुत सारे जो है ख़त्म कगार पे वापस दोबारा इनके अंदर जाना ये बहुत बड़ा काम है इतना बड़ा काम है कि शायद हम जैसे लोग नहीं हमें तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि कोई क्यों इसका वो लेके जाए बल्कि मतलब एक मूवमेंटिंग वाला ऑप्शन आता है बट ये लोग उसको ले करके आते हैं ले करके जाते हैं फिर वो चाहे उतना गंदा ही पेशेंट हो चाहे लेटरिन बाथरूम का रखा हो उसको बिठा करके रिक्शे पे अपने किराए से लेकर के टेस्ट करा के फिर वापस लाना फिर दवाई देना ये सब चीज़ें
बहुत डिफिकल्ट काम फील होता है। अरे यहाँ क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट में से कॉन्टैक्ट में है कि डोनेट दीजिए, खाना दीजिए, के सारे शेल्टरों में खाना वही देते हैं। अच्छा, वही अक्षय पात्रा ऑर्गेनाइजेशन, वो खाना हमारे पास तीनों टाइम आता है, इसलिए वो सब कुछ कवर होता है। यस, अक्षय पात्रा फाउंडेशन में खाना। सर, इनके इंचार्ज हैं? मैं तो कहीं का इंचार्ज, मैं तो बेघर हूँ, आप यहाँ काम कर पाते हैं। राजेंद्र जी, अगर भैया नहीं मिलते तो क्या होता अभिषेक जी, आप इलाज कराते क्या? हम चले जाते। कहाँ चले जाते? अपने घर। घर तो वही है। सब ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं।